बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हिदायतुल्ला है और आप देख रहे हैं हिदायतपुर ऑफिशियल। आज का जो हमारा टॉपिक है नाउन, कि नाउन क्या होता है, तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं नाउन को। व्हाट इज नाउन, नाउन क्या है? तो नाउन के टोटल सात पार्ट्स हैं, सात टाइप्स हैं, जो हम वन बाय वन इसे डिस्कस करेंगे। तो पहला है नाउन। नाउन की तारीफ करें पहले कि द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल्स और थिंग इज कॉल्ड नाउन। यानी किसी शख्स, जगह, जानवर या चीज को नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अहमद एक नाउन है, चेयर एक नाउन है, स्कूल एक नाउन है, ताजमहल ईटीसी, यानी एक ताजमहल भी एक नाउन है। अच्छा, उसके बाद पहला जो इसका काइंड आता है कॉमन नाउन। कि कॉमन नाउन क्या होता है? द नेम ऑफ अ कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। कि यानी ऐसा आम शख्स, आम जगह या आम चीज को कॉमन नाउन कहलाता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल, कंट्री मुल्क है लेकिन पता नहीं है, आम है, बॉय लड़का है यानी पता नहीं कौन सा लड़का है, क्या नाम है कोई पता नहीं, आम है, सिटी है, शहर आम है, एनिमल्स आम है। अच्छा, उसके बाद आता है दूसरा काइंड, प्रॉपर नाउन। द नेम ऑफ पार्टिकुलर नेम पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी ऐसा नाम, ऐसा शख्स, ऐसी जगह जो खास हो, प्रॉपर नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ईरान एक मुल्क तो है, मुल्क है ईरान, एक खास नाम है, एक मुल्क का नाम है। अच्छा, उसके बाद असलम लड़का तो है लेकिन नाम है असलम, तो ये खास नाम हुआ। अच्छा, उसके बाद लाहौर, ये शहर है लेकिन लाहौर हो गया तो खास हो गया। उसके बाद एक जानवर मारखोर, तो खास हो गया, इसे कहते हैं प्रॉपर नाम। अच्छा, उसके बाद थ्री स्टेट पे है मटेरियल नाम। The name of matter or substance which anything is made is called material noun. Material noun वो noun होता है जो जिससे कोई और चीज बने। जैसे for example, gold, silver, wood, iron, cotton, milk, etc. ये क्या है? material noun है। अच्छा, इसका क्या खासियत है कि भाई gold, अभी gold से मुख्तलिफ चीजें बनते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं इसका, gold का घड़ी भी बनता है, जैसे कि अंगूठी गोल्ड का बनता है, इसी तरीके से सिल्वर से भी कोई और चीज़ें बनते हैं, उसके तरीके उसी से, जैसे कि वुड है, अभी वुड से भी मुख्तलिफ चीज़ें बनते हैं, दरवाज़ा बनता है लकड़ी का, खिड़कियाँ वगैरह बनते हैं, आयरन लोहा है, लोहा से मुख्तलिफ चीज़ें बनते हैं, पंखे बनते हैं, खिड़कियाँ वगैरह बनते हैं, यानी किसी एक चीज़ से दूसरा चीज़ बने। जैसे काटन कपास है, इससे मुख्तलिफ चीज़ें बनते हैं, कपड़े वगैरह बनते हैं, मिल्क अभी दूध है, अभी दूध से भी दही बनता है, मक्खन बनता है, इसे मटेरियल नाउन कह रखा है। अच्छा, उसके बाद चौथा स्टेप है कलेक्टिव नाउन। द नेम ऑफ ग्रुप पर्सन प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। यानी ऐसा मजमुआ, नाम का मजमुआ हो वो क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अभी फिलक क्या है? एक रेवड़ है, रेवड़ की सूरत में होता है, यानी एक मजमुआ की सूरत में होता है, ये भी मटेरियल नाउन है, सॉरी कलेक्टिव नाउन है। अच्छा, उसके बाद क्लास, अभी क्लास में बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। अच्छा, उसके बाद फैमिली, अभी फैमिली में बहुत से अफराद होते हैं, ये भी कलेक्टिव नाउन है। अच्छा, उसके बाद क्राउड, अभी क्राउड लोगों का एक बड़ा हुजूम होता है, बहुत से लोग जमा होते हैं तो एक हुजूम होता है, ये भी कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद आर्मी, अभी आर्मी में बहुत से सोल्जर्स वगैरह होते हैं, सोल्जर होते हैं, तो ये भी कलेक्टिव नाउन है। अच्छा, उसके बाद पाँचवा इसका टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Abstract noun means a thing that is not seen and touched but is only felt. यानी एक ऐसा noun जिसका मतलब है कि ऐसा noun जो न नजर आए न जिसे हम छू सके, सिर्फ और सिर्फ फील करें, abstract noun कहलाता है। For example, अभी happy है, खुशी को हम सिर्फ फील करते हैं, नहीं उसे देखते हैं, नहीं उसे ऐसे छू सकते हैं। अच्छा, उसके बाद साउंड, अभी साउंड एक आवाज़ है जिसे सिर्फ हम सुनते हैं, ना ही छूते हैं और ना ही इसे देखते हैं। अच्छा, उसके बाद एयर, हवा है, इसको भी हम महसूस करते हैं, तो ये हुआ
एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा उसके बाद छठा स्टेप है काउंटेबल नाउन। दोज नाउन व्हिच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, यानी वो नाम जो काउंट किया जा सके काउंटेबल नाउन कहलाता है। फॉर एग्जांपल चेयर, अभी कुर्सी, बुक है, स्टार है, डोर है, एटीसी। अच्छा चेयर जैसे कि कोई किसी के स्कूल में चेयर्स रखे हों वहां पे आप उन चेयरों को आप गिन सकते हो, ये भी काउंटेबल नाउन है। जिन्हें जो गिनने में आ जाए जिसे आप गिन सकते हो वो काउंटेबल नाउन कहलाता है। बुक है, अभी एक लाइब्रेरी में बड़ा बहुत से बुक होते हैं लेकिन आप उसे भी गिन सकते हैं तो ये भी काउंटेबल नाउन है। स्टार, ये भी काउंटेबल नाउन है। डोर, ये भी काउंटेबल नाउन है। अच्छा बात स्टार ये कैसे काउंटेबल नाउन है ये मैं बाद में बता रहा हूँ आपको। अच्छा उसके बाद सातवां इसका काइंड है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? दोज नाउन व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, यानी वो नाउन जो अनगिनत हो, जो बेशुमार ना किया जा सके वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, दूध है, ये काउंट नहीं किया जा सकता। शुगर है, इसको भी काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे राइस है, चावल, इसको भी काउंट नहीं किया सकता। फ्लोर आटा है, वाटर पानी है, मनी पैसा है, इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते। अच्छा कैसे, अब बात आती है कि मनी ये कैसे अनकाउंटेबल नाउन है और स्टार ये कैसे काउंटेबल नाउन है। देखें स्टार को जब हम यहाँ पे एस लगाएंगे तो स्टार्स हो जाएगा, जमा में चला जाएगा, तो इसका मतलब है कि हम इसे काउंट कर सकते हैं। अच्छा मनी आपने कभी देखा ही नहीं होगा कि मनी के आखिर में एस हो, मनीज हो, तो कभी नहीं देखा होगा, इसलिए मनी अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक नाउन के हवाले से। नेक्स्ट लेक्चर सुनने के लिए जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।